नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जीवन दान देने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को सता रही अपनी जिंदगी का भय। लोहरदगा स्वास्थ्य उपकेंद्र कुडू में स्वास्थ्य कर्मी व डॉक्टरों का रहना खतरे से खाली नहीं है। जो डॉक्टर दूसरे की जान बचाने का कार्य करते हैं, उन्हें अपनी जान की परवाह करना मुश्किल हो रही है। कारण यह है कि उनके रहने की जो क्वार्टर्स हैं, वह काफी पुरानी व जर्जरा अवस्था में है। भवनों की स्थिति अर्ज से लेकर फर्श तक अंतिम सांस ले रहा है। अब बरसात आने वाली है, गर्मी तो किसी प्रकार गुजार लिया गया है, लेकिन इस आने वाली बरसात में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिन रात काटना जिंदगी और मौत के साथ खिलवाड़ करने योग्य है। ऐसे में यदि अस्पताल में 24 आवर डॉक्टर को देखना चाहते हैं और लोगों को ससमय सेवा मिल सके, तो उन्हें ठहरने योग्य सुविधा व्यवस्था देना होगा। स्टाफ क्वार्टर और डॉक्टर्स क्वार्टर हम लोगों का भी वैसे ही है। डॉक्टर्स क्वार्टर भी वैसे ही एकदम जर्जर है, पूरा अंदर से गिर रहा है। तो बाहर रह के तो सेवा बड़ा मुश्किल है भाई। जब तक कैंपस में नहीं रहेगा डॉक्टर, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। और ड्यूटी आवर में तो विशेष करके कहाँ जाएगा। और रहते रहते भी कभी कभी गिरा है सीलिंग। मांगा जाता है समय समय पर, और तो हम लोगों के डिपार्टमेंट से बाहर की चीज़ है, तो उसके लिए क्या करेगी वो तो प्रशासन ही जानेगी। लेकिन बहुत ही ख़राब है स्थिति सभी क्वार्टर्स हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटी पड़ता है, इसीलिए सेवा देने के लिए तो 24x7 ये करते हैं, इसीलिए इसी क्वार्टर में रहना पड़ता है। मेरी मजबूरी है इसमें रहना। पिछले हम 3-4 साल से कंटिन्यू इसी ये क्वार्टर में रह रहे हैं। बरसात में तो दिक्कत होता है, छत से बारिश से ये करता है, पीता है, प्लस दीवार भी जर्जर है, डर लगता है। अपना जान को जोखिम में रखते हुए हम लोग यहाँ पूरे परिवार रहते हैं। लेबर रूम के लिए भी कुक हैं और ANM रोशनी तत्व हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए सरकार ये नए बिल्डिंग का व्यवस्था करे, ताकि हम और सुचारू रूप से हम सेवा दे सकें। वी टाइम न्यूज़ के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।